In 10th class, we are doing the revision portion. 26th question is covered, and this is the 27th question of chapter number 4 of the 10th class, that is carbon and its compound. And let's start the video. First of all, you have to subscribe the channel, that is Science Side. Now we are on the 27th question, and the 27th question is write the next homologue of each of the following. इसका होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट होमोलोग आपको लिखना है और इसका भी लिखना है. C2H4 कार्बन दो है, हाइड्रोजन फोर है. इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ. टेट्राकोवलेंसी पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा. नाउ दिस इज अ डबल बॉन्डेड कंपाउंड, इसमें कार्बन दो है. सो ये आपका इथीन है. अगर ये इथीन है तो इससे नेक्स्ट आपको पता है कौन आएगा, दैट इज प्रोपीन. अगर प्रोपीन आएगा तो उसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं. आपके पास कार्बन तीन होने चाहिए, जिसमें से दो कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए. अदर जो पोजीशन है वो आप दे दीजिए हाइड्रोजन को. तो देख लीजिए कितना हाइड्रोजन कार्बन कितने आए हैं, थ्री. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है आपका इससे नेक्स्ट वाला, जिसका नाम है प्रोपीन, 3 4 5 6. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट होमोलोग. होमोलोग का मतलब होता है जो CH2 यूनिट का डिफरेंस रखता हो. ठीक है, लेकिन दोनों जो हैं सेम फंक्शनल ग्रुप के होने चाहिए. यहाँ ये इथीन था तो नेक्स्ट मेरे पास प्रोपीन है, इसका मतलब हम एल्कीन की बात कर रहे हैं. अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ, मेरे पास कार्बन दो है, हाइड्रोजन मेरे पास सिक्स है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. आपके पास इथ है, यानी दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड की वजह से ये इथेन है. इथेन से नेक्स्ट आपको पता है कि आपके पास प्रोपेन होगा. प्रोपेन कैसे बनाएंगे, आपके पास तीन कार्बन होने चाहिए और हर एक बॉन्ड सिंगल होना चाहिए ताकि आप एल्केन को बना सकें, इस प्रोपेन को बना सकें. तो आपके पास है C3H, देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दिस इज C3H8, दिस इज नोन एज प्रोपेन. ठीक है, ये आपके पास इस से नेक्स्ट आ गया. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इथेन और प्रोपेन में, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस है एक कार्बन का और हाइड्रोजन का डिफरेंस है टू का, यानी CH2 यूनिट का जिसमें डिफरेंस आ जाए उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. अब यहाँ पे आंसर जो मैं लिख रही हूँ आपको वही जो है वीडियो के थ्रू आपको मिलेगा. मैंने स्पेशल से आंसर नहीं लिखा है बिकॉज वी हैव डन दिस ऑलरेडी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड. दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, बट दिस इज अ रिवीजन पोर्शन. कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है. कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, जब दो कंपाउंड्स के बीच में शेयरिंग, जब दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये आयनिक बॉन्ड से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, यानी एक के दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है वो वीक है, जल्दी से हम तोड़ सकते हैं, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसमें लो है और इसमें कंडक्टिविटी भी आपकी पुअर है. क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कंडक्टिविटी करने के लिए. ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्लूडेड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट आयनिक. आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट में शेयरिंग से बनता है. आयनिक बॉन्ड कंडक्शन करते हैं मोल्टन स्टेट में और ये कंडक्शन नहीं करते, कोवलेंट कंडक्शन नहीं करते. लिस्ट द टू करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड. तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी बता दी. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है. वो क्यों, कोवलेंट बॉन्ड ऐसे तो खुद में स्ट्रांग है लेकिन जब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की बारी आती है, इंटरमोलिकुलर अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो वीक है, जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है. और दूसरी प्रॉपर्टी, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो यहाँ पे कंडक्शन भी पुअर है. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन. कोवलेंट कंपाउंड के पास लिमलो, यही जो अभी रीजन दे रही थी, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, अट्रैक्शन इज द वीक, आर वीक भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये रीजन है. नेम द फॉलोइंग. अब यहाँ देखिए ये वाला जो कंपाउंड है, देखते ही पता चल रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग कर रहा है. अब आप ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को तो ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, टोटल आपके पास दो कार्बन है.
दिस इज नोन एज अ इथेनोइक एसिड, इसलिए क्योंकि ओइक एसिड हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज करते हैं. सफिक्स कौन सा है? ओइक एसिड. तो यहाँ पे दो कार्बन है, इथ ए और ओइक एसिड, इसमें सफिक्स यूज हो गया, ये इथेनोइक एसिड है. अगर इस कंपाउंड की बात करें तो सेंट्रली प्लेस्ड आपको कीटोन दिख रहा होगा, हमारे पास दूसरा कीटोन है. अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करें, 1, 2, 3 नंबरिंग यहाँ से शुरू करें, तब भी बीच वाला कार्बन सेकेंड नंबर पे ही प्लेस. आपके पास टोटल 3 कार्बन है तो आपने लिखा प्रॉप, एंड आपके पास सेकेंड पोजिशन पे कीटोन है, वो मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी गलत नहीं होगा. आपके पास प्रोपेनोन है, आपको ये लिखना है कि टोन के लिए ओन जो है वो आपके पास क्या होता है? सफिक्स. दिस इज द सफिक्स. नाउ दिस इज डन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 क्वेश्चन. द एलिमेंट जो आपका कार्बन है उसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाए जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपकी टेट्रा कोवलेंसी बताते हैं? टेट्रा कोवलेंसी बता रहे हैं. दूसरा इसका एक ये प्रॉपर्टी होगी, दूसरा ये कि इसके पास साइज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है. जितना ज्यादा स्मॉल साइज होता है उतना ही जो न्यूक्लियस है होल्ड कर पाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतनी स्ट्रॉन्गली. इसका मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बहुत स्टेबल बॉन्ड बनेगा. और कार्बन के पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन. और बता देती हूँ, कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि वो अपने ही साथ बॉन्ड बना सकता है. वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, वो बॉन्ड डबल भी हो सकता है, वो बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है, यानी वो सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना सकता है. यहाँ पे एल्केन है, ये एल्कीन है, दिस इज एल्काइन. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, कार्बन इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज शो करता है और वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीच्ड इज अ 32nd क्वेश्चन. व्हाट इज इथेनोइक एसिड? क्या होता है? अभी किया, जस्ट अभी इथेनोइक एसिड जिसमें फॉर्मूला था CH3COOH. अब आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपको ये लिखना है, तो आप लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. और अगर स्पेशल नेम देना हो 5 to 8% ये सोल्यूशन में हम इसको वाटर के प्रेजेंट करवा दें तब ये क्या बनेगा? दिस इज नोन एज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड हम इसको विनेगर कहते हैं, ठीक है? विंटर्स में विनेगर कहते हैं इसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको. विंटर्स में क्यों कहते हैं? क्योंकि विंटर्स में ये क्या कर जाता है? फ्रीज कर जाता है, ठीक है? इसके क्रिस्टल्स वैसे बन जाते हैं इसलिए इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं. 5 to 8% यानी विनेगर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीच्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका मतलब है कि ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट है? हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. हमारे पास होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड या जिसमें प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है? ये दोनों कौन से हैं? अनसेचुरेटेड. अनसेचुरेटेड और जिसमें सिंगल बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ इसका मतलब वो है सैचुरेटेड, सारे बॉन्ड सिंगल है. तो यहाँ पे सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपने उनको ड्रॉ करना है, सब कुछ बताना है. तो चलिए बता देती हूँ, हमारे पास होते हैं एल्केन्स, हमारे पास होती हैं एल्कीन्स और हमारे पास होते हैं एल्काइन्स. एल्केन्स के लिए हमारे पास जाना फॉर्मूला होता है CnH2n+2. इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n. इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n-2. तो ये जाना फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए. अब कंपाउंड कैसा बनेगा? अगर मैं फर्स्ट मेंबर इसी के ही फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो मैं बोलूंगी मिथेन, क्योंकि एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं हम सीरीज को, तो एक कार्बन. लेकिन टेट्रा कोवलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, तो बाकी चारों के चारों बॉन्ड वो दिए हाइड्रोजन को. CH4 यहाँ पे एल्केन है. अगर इसके फर्स्ट मेंबर की बात करूँ तो मुझे पता है जब एल्कीन बनाना है तो मुझे डबल बॉन्ड तो बनाना है कार्बन कार्बन के बीच में, तब मैं बनाऊंगी डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में. टेट्रा कोवलेंसी को पूरा करते हुए मैंने बाकी बॉन्ड दिए हाइड्रोजन को, ये दे दिए. अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है?
वी हैव अ सी टू एंड वी हैव अ एच फोर, ये आ गया फॉर्मूला। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है, मुझे पता है डबल बॉन्ड है तो दिस इज इथ, एंड डबल बॉन्ड है तो ईन, दिस इज इथीन। अगर इसके फर्स्ट मेंबर की बात करूं, है ना, फर्स्ट वाला मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर इथीन था, इसके फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो मुझे पता है एल्काइन में जब मैं बात करूंगी तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो वो दो कार्बन के बीच में बनेगा, है ना। यहाँ क्या बनाना है मुझे, ट्रिपल बॉन्ड, तो दो कार्बन के बीच में बनाना है, लीजिए बना देती हूँ, बना दिया। अब टेट्रा कोवलेंसी को पूरा करते हुए चौथा बॉन्ड मैं फोर्थ वाला किसको दूंगी, हाइड्रोजन को, ये दे दिया। अब दो कार्बन है दिस इज इथ, एंड ट्रिपल बॉन्ड है दिस इज इथाइन। तो यहाँ पे मेरा होमोलोगस सीरीज का वन वन एग्जाम्पल मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया था, फॉर्मूला इज सी टू एच टू, यहाँ पे फिनिश हुआ। मिथेन से नेक्स्ट आप इथेन बना सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें प्रोपेन बना सकते हैं, इसमें इथेन से प्रोपीन बना सकते हैं, इसमें इथाइन से प्रोपाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज भी आपको मिल जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स भी मैंने आपको बता दिए, सैचुरेटेड ये वाला सैचुरेटेड था और ये दोनों जो थे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे। तो दिस इज डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरो इथेन, आपको क्लोरो इथेन बनाना है लाइक दिस। अब इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने टेट्रा कोवलेंसी तो बनाई नहीं, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसको दिए एंड थ्री हाइड्रोजन मैंने इसको दिए, तो फॉर्मूला बना CH3, CH2 और Cl। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरो इथेन, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, दिस इज इथ, और इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था तो ये इथेन था। लेकिन ये जो आपका क्लोरो या हेलोजन वाला जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, वो आगे लगता है, आगे लग रहा है, तो ये वाला कार्बन फर्स्ट हुआ, तो यहाँ पे वन क्लोरो तो नहीं लिखना है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, मैं क्लोरो करके इथेन लिखूंगी। तो ये जो क्लोरो इथेन है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, मैंने सब कुछ आपको बना दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35 की आपके पास होमोलोगस सीरीज क्या है, उसके बाद टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग टू द, आपको इनमें से चूज करना है होमोलोगस सीरीज से कौन दो बिलोंग करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज आपके पास ऐसी सीरीज है जिसमें हमारे पास जो भी हम फॉर्मूलेज लिख रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं मिथेन, फिर हम लिख रहे हैं इथेन, फिर हम लिख रहे हैं प्रोपेन, फिर हम लिख रहे हैं ब्यूटेन, तो उनमें कितने का डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, या हम ऐसे बोलते हैं 14 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, इतने का डिफरेंस है। अब ये तो आगे होमोलोगस सीरीज, इसके अलावा आप इथीन से प्रोपीन, प्रोपीन से ब्यूटीन, ब्यूटीन से पेंटीन, जब आप एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तब भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करती हूँ, मेरे पास है CH3OH, तो ये है मीथेनोल, लेकिन मैं मीथेनोल से CH3CH2OH इसकी तरफ शिफ्ट होगी, तो ये है इथेनोल। अभी देखिए मैं अल्कोहल वाली फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं मीथेनोल से इथेनोल की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओनली द CH2 यूनिट, CH2 यूनिट का डिफरेंस, तभी मैं इसको क्या बोलूंगी, दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। अब मेरे पास कुछ कंपाउंड है लाइक दिस एंड दिस, अब यहाँ पे बच्चे CH3 है, CH4 होता ना तो ये इसके साथ, यहाँ पे CH4 होता तो मैं बोलती इन दोनों के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो मैं बोलती कि हाँ ये होमोलोगस सीरीज से बिलोंग है, लेकिन अभी यहाँ पे वैसा है नहीं, तो ये तो नहीं बिलोंग करते, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक, हाँ इन दोनों के बीच में कुछ कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, चेक कर लेते हैं, ये तो मैच नहीं कर रहा, इन दोनों के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी H2 का डिफरेंस है, हाँ जी यहाँ पे CH2 यूनिट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों जो है होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप इसको देखिए CH4O को और आप इसको देखिए C2H6O को, तो ये दोनों जो हैं इनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, दीज बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज, तो ये होमो है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंस ऑफ, बट डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, CH2 यूनिट या 14 यूनिट का डिफरेंस हो, यूनिट,
बस यहाँ पे फिनिश हुआ। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। लाइक राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन जो है ना आपके पास C2H4, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ना आपके पास, यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे, तो ये जो C2H4 है ना इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अब आपको पता है कि कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लिखते हैं 2 एंड 4, इसका मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट किए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर दूसरा कार्बन है यहाँ पे भी इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बनाए। अब मेरे पास टेट्राकोवलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया हाइड्रोजन, जिसका ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन, इसका ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, इसका ये इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन को अपना जो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है वो अटेन करवाना है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि इसको 2 हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, 2 इस पड़ोसी वाले कार्बन से मिल रहे हैं, तो इसने अपना सर्कल जो है इस तरीके से बनाया। ये पूरा हो गया। सिमिलरली द अदर कार्बन, इसको भी अपना नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करवाने के लिए 2 तो कार्बन ने दिए, 2 इस पड़ोसी हाइड्रोजन ने दिए, तो इसका भी पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, इसको भी 2 चाहिए, इसने कार्बन का ले लिया, इसको भी 2 चाहिए, एक खुद का था एक कार्बन से ले लिया, इसको भी एक खुद का मिल रहा था एक कार्बन से मिल रहा था, ऐसे करके। तो इस तरीके से हमने बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन का। सिमिलरली हमारे पास इथेन का है, अब ये समझ आ गया है। देखिए इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड, इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड, इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड भी बने ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ऐसे, यहाँ पे प्रेजेंट था ऐसे, यहाँ पे प्रेजेंट थे ऐसे, यहाँ पे प्रेजेंट थे ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था इसके साथ एडजस्ट हुआ, यहाँ पे था इसके साथ शेयर, तो शेयरिंग से बना था ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि बना दिया है। अब इथेन का बना लेते हैं, दिस इज इथेन C2H6, यहाँ पे भी कार्बन 2 है। ठीक है, अब मुझे बनाने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहे आउटर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 4 बनाने थे, ये बना चुकी हूँ मैं साथ वाले कार्बन के भी। हाइड्रोजन एडजस्ट करते हैं, कितने हाइड्रोजन है फॉर्मूला में, देखिए H6 लिखा है, तो यहाँ पे ये बन गए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी बना सकते हैं, पहले ये एडजस्ट हो गया, देखिए ये एडजस्ट हो गया शेयरिंग कर, ये एडजस्ट हो गया शेयरिंग कर, ये एडजस्ट हो गया शेयरिंग करके, ये एडजस्ट हो गया शेयरिंग करके, ये एडजस्ट हो गया शेयरिंग करके, हो गए सब। H6 जो है एडजस्ट करवा दिया। अब कार्बन की बात कर लेते, तो कार्बन को ये सारे ही चाहिए, 3 हाइड्रोजन से मिल रहे थे, एक पड़ोसी कार्बन से मिल रहा था, तो हो गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर वाले जिससे शेयरिंग करनी थी वो करके नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन हो गई। अब इस कार्बन को बाहर बाहर वाले, यानी ये पड़ोसी कार्बन वाला या हाइड्रोजन वाला या इस हाइड्रोजन वाला अनदर हाइड्रोजन, चारों के चारों इसने भी पूरे कर लिए, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसमें ये पता चल रहा है इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, दिस इज C2H6, और ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वेरी इजी। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन, आपको बनाना है, यानी आपको 4 कार्बन बनाने हैं बच्चे और कीटोन बनाना है, आपकी चॉइस, ऐसे बनाना है बच्चे ऐसे बनाइए, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ चारों बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, कई बच्चे बोलेंगे मैम इस तरफ नहीं मुझे उस तरफ लगाना है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है ब्यूट एन ओन, ओन क्यों, क्योंकि हमने बनाना था कीटोन विच इज सेंट्रली प्लेस्ड कार्बोक्स ग्रुप। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, 38 क्वेश्चन। राइट द केमिकल इक्वेशन इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लिख लेते हैं CH3
CH2OH भी कौन है? ये है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल में हम कर देते हैं ऑक्सीजन ऐड, यानी इसकी कर देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केलाइन KMnO4। इसकी प्रेजेंस में अल्केलाइन KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन की, बिकॉज दिस इज द एजेंट विच इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको यूज किया तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया CH3COOH+ water में। ये क्या बना? दिस इज इथेनोइक एसिड। ये मेरे को नीचे लिखना चाहिए था नाम। तो दिस इज इथेनोइक एसिड प्लस वाटर हमारे पास निकल गया। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन को हमने ऐड करा। यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन को देखो आप ध्यान से कि मैंने हटा दिया, बीच में ऑक्सीजन लगा दिया और वाटर की फॉर्म में उसको बाहर निकाल दिया, इसको भी ऑक्सीजन दी है मैंने। तो यहाँ पे अल्कलाइन की MnO4 की फॉर्म में मैंने ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की है फॉर द ऑक्सीडेशन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन। एडिशन किसकी करवानी है? हम हाइड्रोजन की एडिशन करवा देते हैं। हाइड्रोजन की एडिशन को क्या बोलते हैं? इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कर ले, हाइड्रोजिनेशन किसकी करेंगे? अनसेचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं कोई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल ले लेते हैं। वी हैव अ वेजिटेबल ऑयल। इस वेजिटेबल ऑयल में जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अब हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए भी हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए, जैसे वहां पे अल्केलाइन KMnO4 को यूज करा था। यहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। जैसे ही निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, इनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमें ये सैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो मिल जाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड को हम नाम देते हैं वेजिटेबल घी। तो ये जो घी है ये है सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। जो अनसैचुरेटेड होते हैं दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर कुकिंग बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ। तो दीज आर गुड फॉर हेल्थ, इनको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन करी है हाइड्रोजन की, मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, लीजिए हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स आप लगा लीजिए, ठीक है। अब बाकी जगह पे तो ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, लेकिन मैंने इसकी अनसेचुरेटेड ये जो डबल बॉन्ड है इसको हटा के मैंने हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया और मैंने बॉन्ड इस तरीके से तोड़ा कि हाइड्रोजन को वहां पे जगह मिल गई, तो मैंने इसमें सैचुरेशन कर दी। अनसेचुरेटेड से मैंने इसको सैचुरेटेड में कर दिया। And this is done with the help of a nickel as a catalyst. ये याद रखना है, ठीक है। Substitution reaction, substitution reaction, अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये catalyst क्या चीज होती है? Which is used to increase the rate of reaction, speed of reaction, ठीक है। Now the next question is substitution reaction. Substitute करना मतलब किसी चीज को रिमूव करके खुद उसकी जगह पे लग जाना, यानी रिप्लेस कर देना, है ना। कोई खड़ा था लाइन में, उसको हटा के आप खुद एडजस्ट हो जाओ तो उसको बोलते हैं आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए। या मैम ने कोई डांस सिखा रहे थे टीचर, तो उन्होंने सेकंड पोजीशन में जो लड़की थी उसकी जगह पे कोई लड़का जो है वो एडजस्ट कर दिया, तो आप बोलेंगे कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हम किसकी करते हैं? हमारे पास होता है मिथेन, और मिथेन में हम डालते हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे HNU एज अ सिंबल आप यूज कर सकते हैं, तो आपके पास CH3Cl मिल जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास ये बना क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन। इसी तरह से जब आप फर्दर ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में आपको CCl4 टेट्राक्लोराइड ऐसे कर लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है फर्दर एडिशन ऑफ दिस क्लोरीन। या डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कि आपको फर्दर एडिशन से या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए हम CL, CL, CL जब तक ये हटते नहीं सारे तब तक हम बीच में डालते जा रहे हैं CL, और फिर लास्ट में हमने देखा कि सारे के सारे रिप्लेस हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए और CL ने उसकी जगह ले ली। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 39th question is आपको नाम बताने फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप बताना है। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू द हैलोजन, ठीक है, हैलो
तो यहाँ पे क्लोरो लगा है, और किसके साथ लगा है नाम बता सकते हो? ये लगा है इथेन के साथ, तो नाम है क्लोरो पहले लिखते हैं, मैंने कहा था ये प्रीफिक्स चलता है भाई हैलोजन जब हम लिखते हैं, और साथ में क्लोरो के साथ कौन है? दो कार्बन वाला इथ, और बॉन्ड उनके बीच में सिंगल है, तो दिस इज क्लोरो इथेन। ठीक है, बना के भी देख सकते हैं लोग, मैम कैसे पता चला? तो इस तरह से H3 हो गया, ये 2 हो गया, और एक पोजीशन जो बची थी वहां पे Cl लगा दिया, तो हो गया CH3 CH2 Cl, सारे बॉन्ड लग गए ना, पता कि सिंगल वही इथेन लिखा है। और प्रीफिक्स यानी पहले यूज होता है जब भी हेलोजन लगा हो, तो हम बोलते हैं उसको प्रीफिक्स। तो दिस इज क्लोरो इथेन। नाउ वी हैव OH व्हिच इज बिलोंग टू द अल्कोहल फैमिली। अब अल्कोहल फैमिली है तो ओएल एज अ सफिक्स लगेगा, यानी पीछे लगेगा, और आपके पास फिर सेम है, यानी दो कार्बन है आपके पास, है इथ एन ओल। अब ई नहीं लिखना है, ई को रिप्लेस करते हुए आपने ओएल लगा देना, तो ये है अल्कोहल। अब मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिखूंगी, बच्चे नाम नहीं लिखूंगी, बच्चे बोलेंगे मैम नहीं लिखो। तो दिस इज इट बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है। इसमें हम सफिक्स लगाते हैं, पीछे वाला वर्ड लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं हम, और इसका नामेकी कार्बन है, तो यहाँ पे मिथेनोइक एसिड इसका नाम चलेगा। तो ये हो गया इसका नाम, यहाँ पे एम बड़ा कर देना बच्चे। ये वाला जो कंपाउंड है CHO, इसको कई बार ऐसे भी लिखा होगा, तो डरना नहीं, ये वही है CHO। इट बिलोंग्स टू द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज करते हैं, और नाम देखिए, अब इसी में फर्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट ये दो है, तो टोटल कितने हुए? 3। तो दिस इज प्रोपेनल, प्रोपेन, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल मुझे C2H5 से मिल रहे हैं, CHO इज द थर्ड। आप इसको थर्ड नहीं लिख सकते, जब आप नंबरिंग करोगे तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे सेकेंड थर्ड ये इकट्ठे हो गए, दिस इज प्रोपेनल। नाउ दिस वन, ये जो बीच में ग्रुप आ रहा है, दिस बिलोंग्स टू द किटोन, जो भी किटोन सेंट्रली प्लेस्ड आपको दिखेगा, या सेकेंड वाली पोजीशन पे, इधर से लेफ्ट से या राइट से आपको सेकेंड पोजीशन पे दिखेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हुए? 3 हुए, दिस इज प्रोपेनोन, किटोन से बिलोंग करता है ये। ठीक है, और ओन इसमें सफिक्स है, ये किटोन वाली फैमिली से है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब आप इसका नेम बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 इज द लास्ट क्वेश्चन। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n। CnH2n की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं। जब हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, तो बच्चे हम मीथीन कभी नहीं लिखते, हम इथीन से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड ही दो कार्बन के बीच में बना के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी पोजीशन पे मैंने हाइड्रोजन रख दिया, रख दिया। अब फॉर्मूला है C2H4, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्योंकि कार्बन आपने कितने रखे? CN यानी 2, तो H2N यानी 2 2 का 4, हो गया ये फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, डन, किसी को समझ ना आया हो, क्योंकि N मैंने कितना लिया ना बच्चे? 2 लिया, तो जब मैं H2N कर रही हूँ, 2n कर रही हूँ, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 का कितना होगा? 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बच्चे 4। अब ठीक है, तो जब मैं इथीन की बात कर रही हूँ, मेरे को इन्होंने बोला है आप सेकंड मेंबर का नेम और फॉर्मूला बताइए, बताओ। तो फर्स्ट ये था, तो सेकंड कौन था? सेकंड था मेरे पास प्रोपीन। तो प्रोपीन कौन है? जब हमारे पास टोटल 3 कार्बन हो, उसमें से किसी दो के पास डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 ये हो गया। ठीक है, बाकी पोजीशन पे 1 2 1 2 1 2 3 आराम से करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन 3 है, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 2 3, यहाँ मैंने ज्यादा बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 5 6, तो C3H6, फिर से चेक कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, यस ठीक है, C3H6 ये मेरे पास प्रोपीन है। इथीन और प्रोपीन के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो देख लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, हाँ जी, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यस इट इज करेक्ट, यहाँ से भी पता चल गया। तो सेकंड मेंबर का मैंने लिख दिया है, ये बिलोंग करता है CnH2n वाली फैमिली से। CnH2n किसका जाना फॉर्मूला था बच्चे?
एल्कीन का। तो इस तरह से आपने करना है। प्लीज सब्सक्राइब द साइंस चैनल बच्चे, सो दैट आई कैन मेक द मोर एंड मोर वीडियोज, बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब देयर इज अ पॉजिटिविटी इन मी। ओके बच्चे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।